हैं ग्लोइंग स्किन और पिंपल से छुटकारा। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पिंपल के ट्रीटमेंट के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पिंपल के होने का कारण क्या है। अगर हमें कारण पता होगा तो हम आसानी से पिंपल को ठीक कर सकते हैं। पिंपल्स का सबसे मेन रीज़न है कि हमारा जो सीबेसियस ग्लैंड है, हमारी जो स्किन की अपर लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद है डर्मिस। तो जो डर्मिस लेयर के अंदर सीबेसियस ग्लैंड होता है, वो सीबेसियस ग्लैंड अगर अत्यधिक मात्रा में सीबम प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो नेचुरल ऑयल हमारी स्किन को मिलता है हमारी स्किन की डर्मिस लेयर से, तो अगर वो अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होना शुरू हो जाए तो वो पिंपल का कारण बनता है। जैसे ही सीबम बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी स्किन पे प्रोड्यूस होता है और हम डस्ट में काम करते हैं, या डस्ट तो आप देखते ही हैं कि हर जगह मौजूद है, चाहे हम रूम के अंदर भी बैठे हैं तो वहाँ भी हमें धूल कण मिल जाएंगे। तो वो जैसे ही सीबम बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी स्किन पे आ जाता है तो उस पे धूल कण चिपक जाते हैं, और वही धूल कण में चिपक कर बैक्टीरिया बैठ जाता है और स्किन के लेयर के अंदर जाकर वो अपना घर बना लेता है, जिस जो मुहासे के रूप में उत्पन्न हो जाता है, मुहासा बन जाता है, जिससे मुहासा बोल लो, पिंपल बोलो उसको, तो इसकी मेडिकल टर्म है एक्ने। मुहासे को ही एक्ने भी कहा जाता है। तो उसका मेन रीज़न क्या है, बैक्टीरिया के कारण होता है। सीबम अगर प्रोड्यूस ज़्यादा मात्रा में होता है, उस पर धूल कण चिपक जाते हैं, अगर उस धूल कण को अच्छे से ना हटाया जाए, डेली फेस की क्लीनिंग ना की जाए, तो पिंपल का रीज़न बन जाता है। आइए अब हम कुछ होम रेमेडीज़ जानते हैं जिससे कि हम अपने पिंपल को ठीक कर सकते हैं। हम बात करते हैं एलोवेरा की। एलोवेरा जो है उसमें हीलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टी होती है, जो कि एक्ने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वैसे तो एलोवेरा को सनबर्न में भी यूज़ किया जाता है, सनबर्न को ठीक करता है एलोवेरा, लेकिन एक्ने के लिए ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे ये पिंपल हो जाता है हमारी स्किन पे, तो हम जरा सा एलोवेरा सकते हैं। वैसे मार्केट में भी बहुत एलोवेरा जेल भी मिलता है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम घर में भी यूज़ कर घर में अपने हम अपने घर में एलोवेरा प्लांट लगा सकते हैं और उसका जेल हम यूज़ कर सकते हैं। जोजोबा ऑयल भी पिंपल ट्रीटमेंट पे बहुत अच्छा रहता है। जोजोबा ऑयल में नेचुरल तरीके से जो हमारा सीबम प्रोड्यूस होता है उसको डिक्रीज करने की एबिलिटी जोजोबा ऑयल में होती है, तो इसलिए जोजोबा ऑयल भी पिंपल को होने से बचाता है। जोजोबा ऑयल में नेचुरल मॉइस्चर इफेक्ट भी, नेचुरल मॉइस्चर देता है वो हमारी स्किन को। और जो होम रेमेडीज़ हम यूज़ करते हैं उनसे क्या होता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर हम मार्केट से केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं एक्ने ट्रीटमेंट के लिए, तो एक तो स्किन में ड्राइनेस ज़्यादा आ जाती है और दूसरा उसके साइड इफ़ेक्ट होने का भी डर रहता है। जो होम रेमेडीज़ हम अपनाते हैं उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। नीम भी एक्ने ट्रीटमेंट में बहुत ही बेनिफिशियल है। नीम का हर्ब हम यूज़ कर सकते हैं, नीम की छाल को हम यूज़ कर सकते हैं एक्ने ट्रीटमेंट के लिए। नीम का हर्ब हम पत्तियों को बॉयल करके जो एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं, तो या फिर उनको पीस के उनका जो रस निकालते हैं, तो उससे हम उसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम पी सकते हैं उस नीम के हर्ब को, टी बैग के रूप में भी हमें नीम मिलता है मार्केट में। अगर हमें हरे पत्ते मिल जाते हैं तो पत्तों को यूज़ कर सकते हैं बॉईल करके, उनका जो पानी बनता है, जो हर्ब जो बनता है उसको हम पी सकते हैं। दो दो चम्मच सुबह शाम पी सकते हैं, एक्ने ट्रीटमेंट के लिए बेनिफिशियल है। और टी बैग्स मार्केट में अवेलेबल है, नहीं तो हम नीम की पत्तियों को अगर हमें मिल जाता है घर पर मिल जाता है तो सुखा के भी टी बैग हम खुद भी बना सकते हैं और उनको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो टी ट्री ऑयल है उसमें भी फंटेस्टिक एंटी एक्ने हर्ब होता है, जो कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टी का होता है। इसको भी हम पिंपल पे अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा एक्ने ट्रीटमेंट के लिए हम आइस पैक का भी यूज़ कर सकते हैं। आइस क्यूब एक्ने से धीरे धीरे स्वेलिंग को रिड्यूस करता है और जो उस पर रेडनेस आ जाती है उसको भी रिड्यूस कर। अगर हमें एक्ने या पिंपल हो जाता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि होम रेमेडीज अपनाएं सबसे पहले, उसके बाद ही हम डॉक्टर के पास जाएं। सबसे पहले तो हम सीबम, अगर एक्सेस मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कोशिश करें कि हमने सीबम को ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होने देना है, हमने आइस क्यूब्स का यूज़ कर लेना है। हम एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं, नीम के हर्ब का यूज़ कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ओटमील भी यूज़ किया जाता है। ओटमील को हम एक पेस्ट के रूप में बना सकते हैं, पेस्ट के रूप में बना के उसको पैक के रूप में लगा सकते हैं। उसको 15 मिनट लगा के रखेंगे, वीक में दो बार हम यूज़ कर सकते हैं उसको। अगर हमें लग रहा है कि ज़्यादा मात्रा में सीबम प्रोड्यूस हो, इस पैक को हम लगाकर 15 मिनट तक छोड़ देते हैं और जब ड्राई हो जाता है उसके बाद गुनगुने पानी से फेस को धो लिया जाता है।